नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा गई है भाजपा। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरी अपडेट बताते चलें। लगातार राहुल गांधी को फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से, क्योंकि अब उसको लगने लगा है कि एक अकेले राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो यहां पर भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार पर यहां पर केस दर्ज करवाया गया है। क्या कुछ है पूरी अपडेट दोस्तों बताते चले आप लोगों को। भाजपा के द्वारा दायर किए गए मानहानि केस में राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को समन भेज करके कोर्ट में तलब किया गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को ये समन भेज करके मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में तलब किया है। दरअसल दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा पर 40% कमीशन लेने और भ्रष्टाचारी सरकार होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा के नेता के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई और कहा कि मानहानि का मुकदमा बनता है। भाजपा सरकार पर राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे। भाजपा सरकार पर 1.5 लाख करोड़ की लूट का आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लगाया था। यानी कि देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने 40% कमीशन का खुलासा किया तो भाजपा पूरी तरह से बौखला गई। तो यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को लगातार परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी का भी दो टूक कहना है कि वो डरने वाले नहीं है और ना ही रुकने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा राहुल गांधी के समर्थन में, #VSupportRahulGandhi। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, दिल्ली पुलिस पहुंची है कोर्ट में। जी हां दोस्तों, भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहां पर चार्जशीट दाखिल करने कोर्ट पहुंच चुकी है पुलिस। 15 जून तक का मिला था आश्वासन। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की यह मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बताते चलें आप लोगों को, बीजेपी सांसद पर महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप में दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस यहां पर आरोप पत्र दाखिल करने जा रही है। अधिकारियों ने यहां बड़ी जानकारी दी है। बताते चलें, प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था कि मामले में 15 जून तक आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा। जानकारी के लिए आप लोगों को बताते चलें, यहां पर मामले की कार्रवाई के दौरान तमाम गवाह और सबूत सामने निकल के आए। जानकारी के लिए बताते चलें, SIT ने 180 से भी ज़्यादा लोगों से पूरे मामले में पूछताछ की और कई यहां पर सबूत भी उसके हाथ में लगे हैं। कई लोगों ने ब्रजभूषण के खिलाफ सामने आकर के गवाही दी है, जिसके बाद भाजपा के सांसद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होते ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी ब्रजभूषण की, और यहां पर माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी भी देखने को अब मिल सकती है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट थी। अगर आप लोग भी पहलवानों के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने केंद्र सरकार पर साधा है ब्रजभूषण के मामले में निशाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस मिली हुई है सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है ब्रजभूषण के केस में, बोले हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। लोकुर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल, क्या कुछ है मामला बताते चले। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड की आलोचना की है। महिला पहलवानों ने यहां पर ब्रजभूषण सिंह पर लगे उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पूरे मामले पर जस्टिस लोकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को FIR दर्ज करने में देरी पर दिल्ली पुलिस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को पूरी जांच की खुद निगरानी करनी चाहिए थी। और इसके साथ ही
जस्टिस लोकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले दिल्ली पुलिस से पूछना चाहिए था कि आपने एफआईआर में देरी आखिर क्यों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह माना कि वे यानी कि पहलवान खतरे में हैं, ऐसे में यह नहीं कहना चाहिए था कि आगे कुछ हो तो आप मजिस्ट्रेट के पास या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था हम खुद पूरी जांच की निगरानी करेंगे ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। उच्चतम न्यायालय पहले इस तरह के मामलों में जांच की निगरानी कर चुका है, लेकिन सब कोई मिला हुआ है। ये यहाँ पर जस्टिस मदन बी लोकुर की तरफ से बड़ा बयान आया है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बहुत धीमी थी और इसकी वजह भी साफ है, जाहिर है कि पुलिस भी मिली हुई है और वह नहीं चाहती कि आरोप और जांच आगे बढ़े। और उन्हें आश्चर्य नहीं होगा कि ब्रजभूषण अगर यहां पर पूरी तरह से क्लीन चिट भी लेता हुआ नजर आए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जब उसके साथ है तो उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। यह यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है और उनका कहना है कि हर कोई मिला हुआ है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, क्योंकि काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने। आप लोग अपनी राय पूरी खबर पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। विपक्षी सरकार ने बढ़ा दी है केंद्र सरकार की मुश्किलें, सीबीआई की उड़ी है नींद। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है विपक्षी सरकार ने। तमिलनाडु में जांच के लिए अब सीबीआई को लेनी होगी अनुमति। मंत्री पर एक्शन के बाद स्टालिन सरकार का बड़ा फैसला। तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों से जुड़ा एक बड़ा फैसला ले लिया है। तमिलनाडु में अब मामलों की जांच के लिए सीबीआई के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। तमिलनाडु गृह विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो से सामान्य सहमति वापस लेता है। यानी कि अब कुल मिलाकर के देखें तो केंद्रीय एजेंसी को अब तमिलनाडु में जाँच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी ही होगी। और वहीं मंत्री की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने वालों को राजनीतिक उत्पीड़न एवं प्रतिशोध की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने तो यहां तक कह दिया है कि विपक्षी दल ऐसे कदमों के आगे झुकने वाले नहीं है, ये सरकार की तानाशाही है। ये यहाँ पर विपक्ष की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है सरकार पर। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।